तो इनकी एलील फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 है, और इसी बेसिस पे अगर हम इनकी तो इस तरह से होंगी कि जो कैपिटल बी है उसकी 25% हो सकती, 25 हो सकते हैं, और 50% जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होंगे, वो हेटरोजाइगस होंगे, और इनकी जो ब्रीड हेटरोजाइगस होंगे, और इनकी जो ब्रीडिंग वैल्यू कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन वैल्यू, तो लाइन जो इन द लाइंस हैं, और हम जो है वो हमारा जो मोटिव है, और हम ये भी जानते हैं इन डिजीज जो डिप्रेशन है वो इस वजह से है कि जो लेवल पे जब आ जाती है तो उस वजह से डिप्रेशन होता है, तो उससे उनमें हेटरोजाइगोसिटी होगी। तो जैसे जैसे ये देखें आप, जैसे L1 और L2 है, लाइन वन और लाइन टू डिफरेंट जो है वो जीनोटिपिक जो जीनोटाइप है उसको परसिस्ट किया गया है L1 में और L2 में, और जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे हेटरोजाइगस होंगे। तो हेटरोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू है, आइदर हम मेल जो है वो लाइन वन को रखें या लाइन टू को, हम मेल एज ए मेल लाइन जो है वो उसको यूज करें, तो दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू जो है वो उसी सूरत में होगी जब भी हमारे पास जो है हेटरोजाइगोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे हेटरोजाइगोसिटी मैक्सिमम होगी जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और उसके साथ साथ आप देखें तो जो हमारे पास जो इसकी ओवरऑल जीनोटिपिक वैल्यू है वो भी ज्यादा है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली अपनी जो पेरेंट की परफॉर्मेंस होगी उससे ज्यादा होगी, और पेरेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम हमेशा ही उसको एवरेज की परफॉर्मेंस में हम उसको जो है वो कॉन्फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये मैक्सिमम जो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू या मैक्सिमम जो हेटरो जो हाइब्रिड विगर है वो हम इन जो हेटरोजाइगस जहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन है उन लाइंस की क्रॉसिंग के थ्रू ही हम यूज जो है वो अटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जैसे ये हमने जो है बेस पॉपुलेशन में जो जिस तरह से हमने इनकी जो जीन कॉम्बिनेशन वे और फ्रीक्वेंसीज जो वो डिफरेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको हमने देखा है कि पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जो एलील फ्रीक्वेंसी है पी वो 0.5 है, और उसको जब हम पी स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी फॉर होमोजाइगस रिसेस होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसी तरह से जो एच है दैट इज फॉर हेटरोजाइगस, और हेटरोजाइगस जो है उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम में 2PQ जो है वो कंपोनेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने हमारे पास पी जो है वो भी 0.5 है, क्यूब उसकी भी एलील फ्रीक्वेंसी 0.5 है, रिसेसिव एलील की, तो इस तरह से हमारे पास जो एच है वो 0.5 हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइपिक जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यू स्केल से जो एलील फ्रीक्वेंसी है और रिसेसिव एलील उसका स्केल करने से हम जो है वो 0.25 इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो देखें तो हमने क्या देखा जी कि जो कैपिटल बी है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर टेबल में देखें कि इनमें है वो मैक्सिमम इनमें जो वैल्यू या कॉम्बिनेशन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, और उसके अलावा हमने जो डिफरेंट जो उसके मोड ऑफ एक्शन जो थे, और तो उनमें हमने देखा है कि जो जीन कॉम्बिनेशन
एक्चुअली हम डिटरमिन हम जो है इन दिनिंगे वाले से और जो हेटरोजाइगोसिटी है और हाइब्रिड विगत है इसको जो है फॉर्म फॉर किया जाता है तो सीडिंग वैल्यू हम जो यूज करते हैं फॉर एडिट जितने भी हमारे पेयर्स हैं उनके लिए तो हम ये यूज करते हैं सीडिंग वैल्यू चाहिए लेकिन जो ऐसे लो है तो लो वैल्यूएबल जो फेयर्स हैं उनके लिए हमें जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू जो है वो ज्यादा बेटर हो सकती है और जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू के थ्रू ही और ज्यादा बेटर जो इम्प्रूवमेंट वाले और ज्यादा परफॉर्मेंस वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम अटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये हम किस तरह से जो हाइब्रिड बीकर है उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला एक है कि हम हाइब्रिड बीकर जो है वो एक्चुअली है क्या कि आपके पास जो एक पेरेंट्स हैं उनकी एवरेज परफॉर्मेंस आपके पास मौजूद और जो आप जो आपने लाइन को क्रॉस किया है उनकी जो परफॉर्मेंस है या आपके पास जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं आप उनको क्रॉस जो है वो करवा रहे हैं और उन ब्रीड्स की जो परफॉर्मेंस होगी आप उनका एवरेज करेंगे तो वो एवरेज जो है उसको आप पेरेंट की एवरेज से माइनस करेंगे तो जितना भी आपके पास जो एवरेज फ्रॉम द पेरेंट जो भी इम्प्रूवमेंट हुई होगी हाइब्रिड बीकर हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होगी और ये हेटेरोजाइगोसिटी जो है ये उन फेस के लिए ज्यादा ये बेनिफिट है जिनके जो इन जो हाइब्रिडिटी है जो जेनेटिक कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली लो है। तो इसके बाद अगर हम यही हाइब्रिड के केस में हम उसको डिटरमाइन करेंगे हम पाउंड्स में केजीज में उसमें हम उसको जो है वो काउंट करें अगर हम उसको जस्ट इन परसेंट जो है केस में कितने परसेंट जो है वो इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस है ज्यादा बेटर परफॉर्म करें तो उसके लिए हम इसको हाइब्रिड को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यही जो अबव जो फार्मूला है उसी को यूज करेंगे जस्ट उसके डीजी मिनट में हम जो पेरेंट्स की जो आपके पास जो है वो F1 जो है उसकी भी परफॉर्मेंस मौजूद है उसकी एवरेज है 113
आप इसकी जो पेरेंट अगर आप लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप सबसे पहले जो F1 है उसको रेफरेंस करेंगे और पेरेंट्स की परफॉर्मेंस को डिवाइड करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10.8% हाइब्रिड फिगर होगी 90 डेज जो वेट है इन स्पेसिफिक जो दो जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनका जब क्रॉस किया जाता है तो उससे आपको इतने जो परसेंट जो हाइब्रिड फिगर है वो अटेन होती है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप यही जो ए और बी वाले जो इंडिविजुअल्स हैं यही जो किड्स हैं आप इनको मेच्योर करें और इनको जब फर्दर आप क्रॉस करवाएंगे तो उसमें आपको इतनी ज्यादा जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जो 90 डेज जो वेट है 113 पाउंड एवरेज ये आप कभी भी अटेन नहीं कर सकेंगे। और यही जो लॉस है इसको हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से ये कितना लॉस जो है एट एवरी जनरेशन ये हो सकता है और इसको हम कैसे कंपनसेट किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ब्रीड है ए और उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 12,000 पाउंड है ओवरऑल एक साल में उसकी जो, और इसी तरह से जो एक दूसरी ब्रीड है उसके जो कैटल्स हैं उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन ईयर इन लैक्टेशन पीरियड वो 18,000 पाउंड है। तो अगर हम दोनों को जो है वो क्रॉस करवाते हैं ए को बी के साथ ब्रीड को तो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स क्रॉस ब्रेड आते हैं तो उनमें 16,000 जो है ये उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी वो परफॉर्मेंस आ जाती है। तो आपने इसमें से क्या करना है परसेंट हाइब्रिड फिगर, तो आपने सबसे पहले इनकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपने पेरेंट्स की वो परफॉर्मेंस है उनकी एवरेजेस जो है वो मालूम करें तो वो आ गई हमारे पास 15,000। और इसको जब आपने पेरेंट परसेंट जो हाइब्रिड फिगर है वो कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले जो इसकी F1 है आप वो कैलकुलेट करें और उसके बाद जो 15 जो पेरेंट्स की आपने कैलकुलेट की है एवरेज परफॉर्मेंस डी डे और बी के उसके लिहाज से आप उसको माइनस करें और उसी से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 6.7% जो हाइब्रिड फिगर आ जाती है फॉर मिल्क प्रोडक्शन जो कि ए और बी जो स्पेसिफिक ब्रीड है। अब आप देखें कि इनमें जो है जो प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है ये कंपेरेटिवली 6,000 पाउंड है, लेकिन अगर ये जो प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है ये अगर ज़्यादा इसमें मौजूद हो तो हो सकता है कि ये यहाँ पे क्या होगा कि डेफिनेटली इसकी जो पेरेंट्स की जो एवरेज होगी वो डेफिनेटली उतनी ही कम होगी और उसकी जो प्रोडक्शन है जो F1 में है वो और F1 में जो हाइब्रिड फिगर है वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होगी। और अगर इसी की बजाय यही जो हमारे पास डी ए है इसकी भी जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है वो 18,000 के करीब करीब लेट्स सपोज 15,000 हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा इसको अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने से हमारे पास जो F1 में हाइब्रिड फिगर आएगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो जितना भी जो प्रोडक्शन का जो डिफरेंस होगा या जिसको हम जेनेटिक डिफरेंस भी कह सकते हैं तो जितना ज़्यादा दो ब्रीड्स में होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट जो है हेटरोसिस की या हाइब्रिड फिगर की वो परसेंटेज की फॉर्म में या ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस की फॉर्म में हम अटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट इसकी हाइब्रिड फिगर जो है ये हो सकते हैं। तो हाइब्रिड फिगर जो है ये इंडिविजुअल जो भी आप F1 क्रॉस करवा रहे हैं उनका तो होगा ही इंडिविजुअल हाइब्रिड फिगर। इसके अलावा ये जो मेटर्नल ऐसे ट्रेड्स जिनमें जो मेटर्नल जो हैं कैटल या फीमेल जो हैं जो डैम हैं उनकी जो ट्रेड्स हैं वो भी हो सकते हैं और वो जो ट्रेड्स हैं वो आगे ट्रांसफर होते हैं इनटू इंडिविजुअल। और इसी तरह से पैटर्नल हाइब्रिड विदर भी हो सकती है कि जहाँ पे जो पैटर्नल जो ट्रेड्स हैं जो कि मेल के जो कैरेक्टर्स हैं और वो जब ट्रांसफर होते हैं इनटू ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल में तो उसकी जो हाइब्रिड विदर है उसको हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा बेटर हो सकती है या कितनी ज़्यादा वो इम्प्रूव हो सकती है। तो हाइब्रिड विगर जो है हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्ट कंपोनेंट है आर ट्रेड्स हैव ए डायरेक्ट कंपोनेंट बट नॉट आर ट्रेड्स हैव ए मेटर्नल कंपोनेंट। तो इसको हम देखते हैं ये अगर
जैसे बीफ जो कैटल है इसमें हम देखते हैं कि आइदर इंडिविजुअल जो हाइब्रिड विगर है इसी तरह से मेटरनल हाइब्रिड विगर है और पटरनल हाइब्रिड विगर, तो डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनके लिए हम देखते हैं कि वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। जैसे यह कंसेप्शन रेट, और ये जो कंसेप्शन रेट है ये क्योंकि कंसेप्शन जो है वो मेटरनल जो ट्रेड है डैम के हवाले से जो फैक्टर है उस हवाले से, तो इसलिए ये जो फैक्टर है ये इंडिविजुअल में भी है और उसके साथ जो पैटर्नल जो है क्योंकि इसमें जो सायर है उसकी फर्टिलिटी जो लेवल है वो भी इसमें बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो अगर जो सायर है वो ज्यादा फर्टाइल हो और उसमें जो स्पर्म काउंट है उसके सीमन में वो ज्यादा बेटर हो, तो इस वजह से इसमें जो हाइब्रिड विगर है वो मेल के केस में भी हम देख सकते हैं के हवाले से भी और इंडिविजुअल के हवाले से भी। फिर उसके बाद मेटरनल जो हाइब्रिड विगर है वो कंपैरेटिवली कम है और जो पैटर्नल है वो उसमें काउंट फॉल नहीं की जा सकती। इसी तरह से विनिंग वेट है, तो वेट वाले जितने भी वो फैक्टर हैं वो मेटरनल हाइब्रिड विगर हो सकती है उसमें, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल हैं उनकी हाइब्रिड विगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है नंबर ऑफ काफ जो मीन है पर 100 काउस एक्सपोज, आपने जो है इंडिविजुअल जो है उसकी जो है यहाँ पे हम जो फर्टिलिटी है उसके हवाले से है और उसकी लाइफ जो है उनके आगे ऑफस्प्रिंग उसमें कितनी जो सर्वाइवेबिलिटी है, तो इस हवाले से है कि हम इसमें क्योंकि ये पैटर्नल ट्रेट भी हो सकता है मेटरनल भी है और इंडिविजुअल का तो है, तो इसमें हम जो है हाइब्रिड उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो आइदर पैटर्नल है या मेटरनल है और इसी तरह से इंडिविजुअल है। फिर उसके बाद है जो विनिंग वेट, और विनिंग वेट जैसे ये नंबर है कि आप कितने काउस विन करते हैं, तो ओवरऑल जो विनिंग वेट है आपने जितने भी काउस जो है उसको एक्सपोज किया है, आपने ब्लड एक्सपोज के जो सायर है आपने उसको 50 जो काउस है उसके लिए ब्रीडिंग के लिए यूज किया है, तो उसके बाद उसमें कितने जो ऑफस्प्रिंग हैं वो आए हैं और उनकी जो है ओवरऑल विनिंग वेट जो है वो कितना आएगा, तो उसमें विनिंग वेट में फिर पैटर्नल का भी फैक्टर होगा उसमें मेटरनल का भी, और उसमें साथ साथ जो इंडिविजुअल को आपने डिफरेंट जो भी वेरिएबल कोई इन्वायरमेंट है वो आपने प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद अभी फीड कन्वर्शन, तो ये स्पेसिफिक है जो भी इंडिविजुअल को आप जो है वो इन्वायरमेंट आइदर वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट इन्वायरमेंट आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसी पर डिपेंड करता है, इसलिए ये इसमें इंडिविजुअल जो ये फैक्टर है इसमें पैटर्नल और मेटरनल जो है उनकी हाइब्रिड विगर काउंट फॉर नहीं की जा सकती। इसी तरह से जो रियलिंग वेट है तो ये फिर दोबारा से वेट आ गया, तो ये वेट जो है इसमें डिपेंडिंग है कि आपकी जो मेटरनल उसमें है उसकी जो मेटरनिंग एबिलिटी है और उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन की क्या एबिलिटी है, सकलिंग कितनी ज्यादा परफॉर्म की जा सकती है बाय मदर डैम, तो उस हवाले से जो उसकी हाइब्रिड विगर है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर है जी एज एट प्यूबर्टी, तो एज एट प्यूबर्टी का मतलब है कि कितने जो वेट है कितने टाइम में इंडिविजुअल जो हैं वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंचते हैं, तो ये अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रूव हो रही है कि आप जो है इसको हाइब्रिड विगर आप कम कर रहे हैं, उनकी जो एज है वो लेट्स सपोज के पहले एक जनरेशन में जो एज एट प्यूबर्टी थी वो 24 मंथ थी, तो आपने उसको कंपैरेटिवली 5 मंथ जो है वो कम कर लिया है, तो इस तरह से इसको जो माइनस का है इसका मतलब है कि आपने इसको कम जो टाइम में कम जो मंथ्स हैं उनमें आपने उसको प्यूबर्टी किया है। इस तरह से फीड कन्वर्शन रेशियो तो ये भी माइनस में जितनी होगी उतना ही इसका बेनिफिट है, इसका मतलब है कि आपने कम जो फीड है वो खिलाई है और ज्यादा जो वेट है वो आपने गेन किया है। फिर उसके बाद है जी डेयरी कैटल के हवाले से, तो उसमें जो डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उसमें मिल्क यील्ड हो सकती है, फैट यील्ड हो सकती है, फिर इसी तरह से जो परसेंट फैट है
उसमें मेटरनल जो ट्रेट है वो तो उसमें कॉन्फर किया जा सकता है, इंडिविजुअल का और पैटर्नल का नहीं है। फिर इस तरह से मैच्योर वेट है, फिर इंटरनल इंटरवल फ्रॉम पावरिंग टू फर्स्ट सर्विस, तो ये भी एक्चुअली जो मेच्योरिटी के कैपेबिलिटी का डेट है और उसका जो टाइम प्रोग्राम रिड्यूस करें तो ये ज्यादा बेटर है। इसकी हेल्पेबिलिटी जो है, हेल्पेबिलिटी नहीं, हाइपरविजर जो है इसको ज्यादा बेटर है। अगर आप उसको जो टाइम है या मंथ्स है उसको कम करते हैं, फिर इसी तरह से जो सर्विसेज पर कंस्ट्रक्शन है इसको भी माइनस में किया, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल जो है आपके पास लेट सपोज 100 पावर्स हैं और आप उनकी जो है ब्रीदिंग करवा रहे हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, कितनी ज्यादा जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितनी उसमें नेगेटिवली वो कम होंगी उतना ही ज्यादा बेटर है, उनकी जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा बेटर होगी। इसी तरह से इंटरवल फ्रॉम फर्स्ट सर्विस टू कंसेप्शन के उस इंडिविजुअल की जो है आपने पहली उसकी जो सर्विस की है उससे कंसेप्शन तक का जो इंटरवल है वो कितना डेज में वो कम होगा उतना ही ये ज्यादा बेटर है। और इसी तरह से रिसेंट कार्प सर्वाइवल जो है पर्सन कार्प सर्वाइवल, तो कार्प सर्वाइवल जितना ही बेटर होगा उसमें माइनस तो नहीं है, ये पॉजिटिव भी वैल्यू बेटर है। फिर उसके बाद शीप में भी इसी तरह से उसकी कंसेप्शन रेट है, फिर लैम्बिंग रेट, नंबर बॉर्न कितने हो सकते हैं 60 डेज वीनिंग वेट, और फिर उसके बाद लैम्स ब्रीड एक्सपोर्ट पर यू एक्सपोर्ट के आपने कितने जो यूज हैं उनको आपने ब्रीड करवाया, लेट्स सपोज आपने 50 जो शीप थी उनको आपने ब्रीड करवाया और उससे आपको कितने जो लैम्स हैं उनके कितने आपके पास वीनिंग वेट जो है वो आपके पास केजीज में आया है। फिर उसके बाद जो है फीस के हवाले से जो उसमें वूल है उसके जो रेट हैं, फीस का क्या वेट है और उसमें कितनी लेंथ है, और फिर उसके बाद ओवरऑल अगर आप उसको स्लॉटर के लिए बेचते हैं तो उसमें क्या वेट है, उनके वेट की बेसिस पे बाद में उसकी आप इसकी क्वालिटी होगी। फिर इसी तरह से जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री में डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनमें मोस्टली जो है वो इंडिविजुअल की जो है तो है मेटरनल की कहीं भी नहीं है, और जो मेटरनल है उसमें सिर्फ हैचबिलिटी जो है उसकी जो है हाइब्रिडिकल है, लेकिन पैटर्नल के हवाले किसी भी ट्रेड की हाइब्रिडिकल नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट जो ट्रेड्स, तो इनको कल जो है वो हम देखेंगे हम F1 को F1 से अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि हाइब्रिडिकल जो आपको F1 में अटेन हो है वो आप कभी भी दोबारा हासिल नहीं कर सकते, तो वो क्यों हो रहा है और कितने परसेंट उसमें जो लॉस है वो हो रहा है, तो इसको कैसे हम काउंट कर सकते हैं ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अभी आप लोग जो है वो अपनी जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर लें, और जो आप लोग